हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे कि राशन कार्ड कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, या क्यों बनते हैं, और राशन कार्ड बनवाने के लिए किस किस टाइप के दस्तावेज देने होते हैं जिससे हमारा रिजेक्ट नहीं हो और हमारा राशन कार्ड बन जाए। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राशन कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड जो हमें पर मंथ सरकार के माध्यम से राशन दिए जाते हैं, दाल चावल गेहूं वगैरह जो भी दिए जाते हैं, पहले हमें चीनी भी मिलते थे लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। अभी बीच में लॉकडाउन में हमें दाल भी मिली है लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। अब सिर्फ हमें चावल और गेहूँ दिए जाते हैं। राशन कार्ड नए बनाने के लिए आपको एक ऐसे देख सकते हैं कि मैंने एक फॉर्म तैयार किया है, देख सकते हैं ये सभी। इसमें हमारा राशन कार्ड का पत्र है जिसमें लिखा है प्रपत्र क, देख सकते हैं, और ये हमारा फॉर्म है, इसको भरना होता है। और इसके बाद ये हमारा एक अफिडेविट है, ये हमारा देख सकते हैं इसमें पूरा साइन वगैरह है। इसमें जो आधा ये हमारा अफिडेविट है, इसमें 125 रुपये का स्टाम्प पेपर लगता है, इस पर एक स्टिकर लगे होते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पर दिखा रहा है ये 90 रुपये का स्टाम्प पेपर है, और यहाँ पर यह हमारा एक है ये वाला 25 रुपये का है, और उसके बाद ये यहाँ पर एक हमारा है जो है हमारा 10 रुपये का, यहाँ पर 10 रुपये का स्टैम्प पेपर है जिससे हमारा नया राशन कार्ड बनता है। और ये देख सकते हैं एक निवास है जिसको राशन कार्ड बनाने में लगता है। और ये देख सकते हैं जिनका आधार कार्ड है उनका जीरेक्स लगा है, आधार जिनके नाम से बन रहा है और जिसका नाम जुड़ना है उनका जीरेक्स लगा है, और एक बैंक खाता इसमें आदमी भूल गए हैं, और इसमें फोटो वगैरह सब कुछ लग गया है। इसमें तीन फोटो चाहिए होते हैं जबकि दो ये हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप तीन है, एक दो और यहाँ पर एक तीन। तो इस टाइप में कुछ कागजात लगते हैं राशन कार्ड नए बनाने के लिए। और अब मैं आपको बता दूँ कि नए राशन कार्ड तो बनने के लिए बता दिए, लेकिन अब राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि यही फॉर्म होते हैं, देख सकते हैं यही फॉर्म होते हैं, लेकिन इस पर हमारा जो लिखा है प्रपत्र का यहाँ पर ख दिए जाते हैं, प्रपत्र ख दिए।